सब्सक्राइब करें हमारे स्मार्ट एयर कूल सिस्टम यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकन को, इसे ऑल पे करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सहबाज, आप देख रहे हैं स्मार्ट एयर कूल सिस्टम। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि R32 और R410 जो गैस है, मान लीजिए कोई मशीन है R410 का, उसमें 32 नंबर गैस डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, और डालने से क्या प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा इस वीडियो में, कि क्या हम लोग 410 के जगह 32 नंबर गैस डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो जैसा कि पिछला मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको दिखाया था कि 32 नंबर इन्वर्टर एसी, जो वोल्टास का इन्वर्टर एसी था, R32 गैस वाला जो मशीन था, उसके अंदर से जो कंप्रेसर चेंज किए थे हम, उसके अंदर से जो कंप्रेसर चेंज हुआ था, जो कंप्रेसर लगा था, कंपनी उसे 410 नंबर कंप्रेसर दिया था लगाने के लिए। मतलब वो कंप्रेसर में 410 और 32 दोनों वर्क करेगा, उस कंप्रेसर में लिखा हुआ था कि 32 नंबर और 410 दोनों के लिए सुटेबल है, दोनों के लिए काम करेगा, क्योंकि दोनों में 410 में और 32 में दोनों में ऑयल जो होता है वो सेम है, बाकी दोनों गैस का प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर सेम है, स्टैंडिंग प्रेशर सेम है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा दोनों गैस का, आपको दिखाऊंगा कि दोनों गैस में कितना प्रेशर है, कितना आपका स्टैंडिंग प्रेशर है, कितना डिस्चार्ज प्रेशर है, किसमें कौन सा ऑयल यूज किया गया, मतलब टोटल डिटेल्स में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दोनों गैस में क्या अंतर है और हम लोग इसे यूज कर सकते हैं या नहीं और हम लोग इसे डाल सकते हैं या नहीं। अगर मान लीजिए 410 का मशीन है तो अगर उसको 410 हटा के हम लोग 32 नंबर गैस डाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 410 हमारे एरिया में तो बैन है, 410 बहुत मुश्किल से गैस मिल रहा है, 32 नंबर ज्यादा मिल रहा है। तो हो सकता है आप लोग के भी एरिया में 410 का थोड़ा मिलना मुश्किल है, 32 ज्यादा मिल रहा है, तो जो 410 का जो मशीन है उसमें लोग 32 डाल सकते हैं कि नहीं, आज इस वीडियो में पूरा हम क्लियर करेंगे। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग, मतलब हम वोल्टास सर्विस सेंटर से है, हम लोग अभी तक बहुत सारे जो 410 वाली मशीन है उसमें 32 नंबर गैस चार्ज किए हैं और वो अच्छा सा चल रहा है, डेढ़ डेढ़ साल हो गया है। मेरा जो पिछला वीडियो, एक साल पहले का वीडियो है, उसमें 410 वाले कंप्रेसर लगाए थे, 32 नंबर गैस डाले थे, आज तक वो चल रहा है, दोबारा रिकॉल कभी तक आज तक कूलिंग का कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, क्योंकि जो प्रेशर आपका 410 का था वही प्रेशर 32 का भी है, जो आपका सेक्शन प्रेशर, जो हम लोग बोलते हैं बैक प्रेशर, जो था आपका 410 का वो 32 का भी बैक प्रेशर है। तो अभी हम आपको एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें 22 नंबर, 32 नंबर और 410 नंबर तीनों गैस के बारे में पूरा डिटेल्स में उसमें दिया हुआ है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हम लोग उसमें 32 डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, वो आप जब चार्ट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आपको चार्ट दिखाते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा से क्लियर समझ में आएगा कि 410 और 32 में क्या अंतर है और हम लोग डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। अगर आपको, जब तक आपको पता नहीं होगा दोनों गैस में क्या है, तब तक आप अंदर से आपको डर रहेगा कि नहीं नहीं डालना है, प्रॉब्लम करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन अगर आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि दोनों गैस में क्या है तो आप इजीली डाल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम आपको बता देते हैं, लेकिन बताने से पहले एक बात कर देते हैं, अगर आप 410 में 32 नंबर गैस चार्ज कर रहे हैं तो पूरा वैक्यूम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है 410 में टॉपअप का बहुत झमेला है, अब 32 में टॉपअप इजी वे हो जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दोनों गैस में क्या डिफरेंस है, क्या है नहीं है, वो आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन में आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग अपने डेस्कटॉप में आ गए हैं, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का जो गैस है, जैसे कि देखिए अभी हम लोग ये चार्ट को हम ओपन किए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 22 नंबर गैस है, 410 नंबर गैस है और 32 नंबर गैस है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि 410 में और 32 में क्या अंतर है, क्योंकि अगर आप 410 की जगह 32 को डाल रहे हैं तो हम लोग को ये भी तो पता होना चाहिए कि 410 और 32 में डिफरेंट क्या है, मतलब अंतर क्या है दोनों में। तो आज उसी के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ये चीज़ जान जाइएगा तो आप बहुत आसानी से 410 की जगह 32 को डाल सकते हैं। फिलहाल 22 का डिटेल्स यहाँ है, 22 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 22 अलग है और 410 और 32 बहुत ज़्यादा अलग है। तो अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 410। 410 में दो गैस मिक्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो कंपोनेंट मिक्सिंग है और यहाँ पे सिंगल है। तो इसमें डबल 410 में कौन कौन सी गैस है सबसे पहले ये जानिए। इसमें आपका आर
32, मतलब आर 32 नंबर ऑलरेडी है 410 में, लेकिन कितना है 50%, और आर 125 है 50%, मतलब 410 में 50% गैस 32 नंबर ऑलरेडी है और 125 नंबर गैस भी मिक्स है, मतलब दो गैस को मिला के 410 को बनाया गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल ये गैस बैन हो गया है क्योंकि ये हमारे ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है फिर से। तो ये 50% था, और ये R32 जो है, ये जो हम लोग R32 है सो सिंगल गैस है, R32 ही है। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये कितना डिग्री सेल्सियस तक जा है इसका। तो ये -51.4 डिग्री सेल्सियस 410 है, और ये -51.7, ये 51.4 या 51.7, ये थोड़ा सा ज़्यादा है पॉइंट कुछ का, तो उतना डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम है। तो इतना दूर तक तो हम लोग का सेम था। अब बात करते हैं इसमें गैस का, तो 32 नंबर का ये है 50% CH2F2 है, और बाकी ये 122 का है CHF2CF3। तो अभी हम लोग का तो दोनों गैस का जो फॉर्मूला, मतलब आपका नाम है, वो तो सेम ही है। इधर 00 ये भी सेम है। ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंचा रहा था ये आपका 2088 है, और ये है 675, मतलब ये कम है, इसीलिए गैस पे ज़्यादा ध्यान है, इसलिए R32 ही ज़्यादा आता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑयल की। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है ऑयल, जब से सब, क्योंकि गैस जो है वो ऑयल के साथ ही मिक्स होता है। अलग अलग अगर इस मिनरल ऑयल में मिक्स करते हैं अगर हम लोग गैस को, तो ये मिक्स नहीं होगा, तो इसमें प्रॉब्लम करेगी रन करने में। तो अभी ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस का हम लोग का तेल ही होता है, ऑयल ही होता है। अगर ऑयल का अलग अलग है तो फिर गैस काम नहीं करता है। तो 410 में भी सिंथेटिक्स है, और इसमें 32 में भी सिंथेटिक्स है, मतलब दोनों में ऑयल सेम है। बाकी आग लगने वाला गैस आपका ये थोड़ा बहुत है, ये नहीं था, ठीक है। मतलब दोनों गैस से नुकसान भी नहीं है हम लोग को। अब हम बात करते हैं हेड प्रेशर का, मतलब मशीन का जो हेड प्रेशर है, कंप्रेसर का जो हेड प्रेशर होता है, गैस का जो हेड प्रेशर जो तो जिसको बोलते हैं HP हेड प्रेशर। तो हेड प्रेशर आप देखिएगा कि इसका भी 450 PSI है, इसका भी 451 PSI, मतलब एक PSI ज़्यादा है, वो कोई मायने नहीं रखता है, एक PSI। अब हम लोग बात करते हैं बैक प्रेशर, जो हम लोग सेक्शन प्रेशर नापते हैं सेक्शन लाइन से, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक प्रेशर। तो बैक प्रेशर अगर देखिएगा तो 120 से 140 PSI है, इसका भी 120 से 140 PSI है, तो यहाँ भी ये सेम हो गया। अब स्टैंडिंग प्रेशर का बात करते हैं, तो 240 से 260, 240 से 260, ये भी सेम है। अब देखिए यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हम लोग टॉप अप नहीं कर सकते। टॉप अप इसलिए नहीं कर सकते कि दोनों गैस मिक्सिंग है, कौन सा गैस कम हुआ कौन सा गैस है ये पता करना इम्पॉसिबल है। और हम लोग जो जाके हम लोग जो रिफ़िल करा के लाते हैं टैंक में गैस, उसमें भी हम लोग कन्फर्म नहीं रहते हैं कि कौन सा गैस इसमें डाला हुआ है। और इसमें हम लोग आराम से टॉप अप कर सकते हैं। ये सिलेंडर का कलर है, ये सब सिलेंडर का है। अब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग का। देखिए R32 को यहाँ लिखता है कि वेपर लिक्विड दोनों हिसाब से हम लोग गैस चार्ज कर सकते हैं, जैसे हम लोग 22 में करते थे, वैसे ही 32 को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 410 को ओनली लिक्विड, लेकिन लिक्विड किस रूप में, मशीन को चालू करके लिक्विड में नहीं डालना है, मशीन बंद में ही लिक्विड चार्ज करना था। लेकिन गैस चार्जिंग का नियम है, अगर आप 32 या 410 चार्ज करते हैं तो आपको बंद में ही गैस चार्ज करना है। अगर चालू कर रहे तो आप लिक्विड नहीं डाल सकते, वेपर ही डाल सकते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, लिक्विड थोड़ा रिक्स होता है। तो जैसा कि आप देख लिए कि दोनों गैस 99.9% सेम है, तो इसीलिए हम लोग 410 के जगह 32 को ईजी डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है भाई, आराम से आप लोग गैस चार्ज कीजिए, हम लोग भी गैस चार्ज करते हैं। अगर कहीं पे 410 की मशीन है वहाँ पे 410 आपको दिक्कत हो रहा है, तो उसे उड़ा के वैक्यूम करके 32 डालिए, और मशीन में 32 नंबर लिख दीजिए। कस्टमर को ही बता दिए सर इसमें 832 गैस चार्ज है, अगर मेरे अलावा कोई और बंदर भी काम कर रही है तो उसको बता दीजिएगा 832 गैस डाला हुआ है। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर कीजिएगा फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एक बनता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।